नमाज पढ़ना तो बहुत अहम काम है, ये तो बात आप लोग सब मान रहे हैं। हाँ। सवाल ये होता है बड़ों के लिए कि बच्चों के लिए? दोनों के लिए। अब उसमें कैसा है, एक छोटा बेबी बॉर्न होता है उसको भी नमाज पढ़नी है? नहीं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, क्रॉलिंग करने लगा, सुबह नमाज पढ़ो नमाज। और पता है आपको, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, वो लोग बड़ों को जब नमाज पढ़ते देखते हैं ना, वो भी कॉपी करते हैं। और कैसे सजदा करने नहीं आता है तो पूरा सो जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। भी जब छोटे होते हैं तो आप लोगों का भी शायद ऐसा हुआ होगा। बच्चों को कब नमाज पढ़ना उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है, बच्चों के मामले में? पता है आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद में सही सनद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब 7 साल के हो जाए, 7 years, वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरीन, अगर 10 साल के हो जाए और फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको गुनाह मिलेगा, थोड़ा उनको पनिश करो, उनको पनिश करो। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि 7 years के हो जाए तो क्या करना है, तो कमांड दो, नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, माँ बाप बोलेंगे। तो अब आपकी एज क्या है? 7। 7? सेवन हो अभी, तो नमाज पढ़ो, ये मुरू औलादकुम बिस्सलाह नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उससे पहले क्या है, पढ़ो बेटा अच्छे से, पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, इतना फोर्स नहीं है। लेकिन 7 years हो जाएंगे, मुरू औलादकुम बिस्सलाह अब कमांड है, पढ़ो बेटा नमाज पढ़ो, कमांड। आपकी एज क्या है? 8। 1 year अप हो गए। आपकी एज? 8। आपकी एज? 7। आप 7 पे हो। हाँ, तो 7 years के होते हैं तो कमांड दो, कमांड दिए पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 10 years के हो गए, उसके बाद थोड़ा पनिश करना होता है ताकि बच्चा सीख ले। और पता है आपको क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बच्चा अगर अभी से हैबिट हो जाएगी ना उसकी, तो बड़ा होने के बाद उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, एक अच्छी हैबिट बन जाती है ना, तो क्या होता है, हमारे साथ हमारी हैबिट्स जाती है, हैबिट्स। आप छोटे हो तो फ्लेक्सिबल हो, याद है ना? कौन सी मिसाल याद है? प्लांट बड़ा होके क्या बना? ट्री। हाँ, तो आपको छोटा मिला, नहीं तो बड़ा मिला होता, अगर ट्री तक बोल जाता तो आप प्लांट बन जाते। अभी आप फ्लेक्सिबल प्लांट हो आप लोग सब। फ्लेक्सिबल प्लांट, फ्लेक्सिबल प्लांट जो है ना, वो अगर ध्यान देगा और अच्छे से अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे तो सीधा अच्छा चलता रहेगा। अगर बुरे बन गए तो फिर क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। फिर टेढ़े हो गए तो बड़े होने के बाद सीधा करो, ट्री को सीधा करो, सीधा करो, सीधा होने नहीं। इंसान फिर भी सीधे हो जाते हैं लेकिन बहुत एफर्ट लगती है, बहुत कोशिश होती है, लेकिन अभी से अच्छी चीजें सीखेंगे और थोड़े बहुत हैबिट हो जाएगी। हैबिट होगी, हैबिट क्या होगी मालूम है? इंसान आदत का गुलाम है बोलते हैं, अच्छी आदत हो तो अच्छी आदत लग जाती है और बुरी आदत हो तो बुरी आदत लग जाती है। आप लोग एक अच्छी आदत बनाओ, कौन सी? नमाज की। और नमाज में अल्लाह ताला के सामने जब खड़े रहो तो बहुत अच्छे से नमाज पढ़ो, जो हम लोग इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।